अल्मोड़ा नगर के रानीधारा में सड़क निर्माण संघर्ष समिति का 34वें दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान जल संस्थान के अधिशासी अभियंता और जल निगम के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने जल्द से जल्द सीवर लाइन और पेयजल आपूर्ति के पाइपों को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान संघर्ष समिति के विनय किरौला ने कहा कि क्षतिग्रस्त हो चुकी पेयजल लाइन, जिससे पानी रिस्क करके लोगों के घरों में जा रहा है, उसे सुधारा जाए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। अभी तक भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं सर। आज 32वां दिन है हमारा धरने का और इतने लोगों ने यहाँ जो हमने सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, इतने लोग सिग्नेचर कर चुके हैं, इतने लोग प्रशासन और शासन को हमारा मैसेज पहुँचा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के भी कान में जू नहीं रहेंगी है। जो घरों में पानी आ रहा था वो प्रॉब्लम एज इट इज़ है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। हम DM सर के पास भी गए थे, DM साहब से भी अपनी रिक्वेस्ट रखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ भी कोई सुनवाई हो पा रही है। पता नहीं कब ये काम होगा, कब हम लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। घरों में पानी आ रहा है और रास्ते में हमारा चलना बहुत मुश्किल हो रहा है।